हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे बच्चों के कंप्लीट हेयर वॉश डे हेयर केयर रूटीन इन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि मैं एक हेयर वॉश डे की डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ और स्पेशल ये वीडियो हिंदी में बनाने के लिए। तो ये रहा हेयर वॉश डे रूटीन इन डिटेल्स। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो। एंड इफ सो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू हियर। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है मैं कुछ मंथ पहले ही रिकॉर्ड की थी, काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था ये बनाने के लिए, लेकिन फिर उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का सर्जरी हुआ तो फिर मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली अभी टाइम हुआ तो मैं एडिट कर पाई हूँ। तो सेम वीडियो को मैं एडिट करके यहाँ पे बनाई हूँ। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो किलिन कैरमा का हेयर और ज़्यादा लंबा हो चुका है, मोर 5-6 सेंटीमीटर ग्रो कर चुके हैं, जो कि मैं कभी नेक्स्ट टाइम पर फिर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हेयर ऑयलिंग के लिए मैं ये DIY हेयर ऑयल ली हूँ जो मैं घर में ही बनाई थी। तो उसका वीडियो अगर आपको चाहिए डिटेल में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से ऑयल लेके मैं इसको डबल बॉयलर मेथड पे यहाँ पे गर्म कर रही हूँ। जैसे कि अभी विंटर है तो ये ऑयल हार्ड हो जाता है, तो फिर उसको इस मेथड में मैं मेल्ट कर रही हूँ। और इस ऑयल में है फेनुग्रीक मीन्स मेथी दाना, फिर कलौंजी, कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। तो मैं अपने बच्चों का हेयर वॉश नॉर्मली वीक में एक बार करती हूँ, सैटरडे या फिर संडे। और फिर जो ऑयलिंग रहता है वो मैं ओवरनाइट, लाइक अगर सैटरडे या संडे करना है तो उसके पहले रात को ही लगा के रखती हूँ ओवरनाइट, या फिर कभी कभार जैसे कि हेयर वॉश करने से पहले लाइक 1 आवर बिफोर, एटलीस्ट 1 आवर पहले ही हेयर ऑयलिंग करती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है कि हेयर ऑयलिंग से पहले हमें अच्छे से हेयर को डिटेंगल कर लेना है ताकि जो हेयर ऑयलिंग आसानी से हो जाए और ज़्यादा बाल झड़ेंगे भी नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि मैं डिटेंगल करती हूँ बच्चों का हेयर, तो नीचे से ऊपर करती हूँ। पहले नीचे का पर्सन है आप डिटेंगल करना है, फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर करके आना है ताकि बाल ज़्यादा झड़ेंगे नहीं, इस हिसाब से आप कर रहे थे। और नीचे से डिटेंगल भी हो जाता है। तो बाल अच्छे से डिटेंगल हो जाने के बाद हम यहाँ पे हेयर ऑयलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेयर के ऊपर पर्सन से स्टार्ट करती हूँ। और जैसे कि देख रहे हैं स्काल्प में मैं हेयर को ईच पर्सन लाइक डिवाइड करके पार्टीशन करके स्केल के ऊपर मैं ऐसे हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। और फिर स्केल में अच्छे से ऑयल लगाने के बाद हेयर में भी ऑयल लगाती हूँ, यानी कि रूट के साथ साथ हेयर के एंड में भी आपको ऑयल लगाना है। और फिर पूरे लंबे बाल में भी थोड़ा सा ऑयल हल्का हल्का लगाती हूँ। हेयर ऑयलिंग के बाद नेक्स्ट डे पे आपको अच्छे से हेयर का थोड़ा चंपी करना है, यानी मसाज करना है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे हेयर को अच्छे से थोड़ा मसाज करती हूँ स्काल्प को। हेयर ऑयलिंग एंड मसाज करने की थोड़ी देर बाद मैं अगेन हेयर को अच्छे से डिटेंगल कर लेती हूँ ताकि जब हम शैम्पू हेयर वॉश करें तो बाल ज़्यादा उलझे नहीं और ज़्यादा गिरे भी नहीं, कम हेयर फॉल होगा उसमें। तो ये मेन चीज़ है, आपको हेयर वॉश से पहले अगेन अच्छे से डिटेंगल करना है हेयर ऑयलिंग के बाद। तो अगर मैं अगर ओवरनाइट उसका हेयर ऑयल कर रही हूँ, ओवरनाइट हेयर रखना है, तो फिर मैं उसमें एक सिंपल सा ब्रेड, लूज ब्रेड करके रखती हूँ उसके हेयर में। और सुबह फिर हेयर वॉश करने से पहले ब्रेड को खोल के फिंगर के मदद से उसको अगेन डिटेंगल करके शैम्पू करते हैं। बट अगर यहाँ पे मैं 1 घंटे बाद ही हेयर वॉश करने वाले हैं तो फिर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लूज सा एक बन बना दे रही हूँ। तो ये हेयर ऑयलिंग का रूटीन, जैसे कि ऑयलिंग टू मसाजिंग एवरीथिंग, आपका 10-15 मिनट्स में हो जाएगा। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा स्पेशली फॉर द मसाज, और ये बहुत ही अच्छा होता है हेयर मसाज करने के लिए स्कैल्प में। उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है और हमारे बालों के रूट्स को अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और फिर ऑयल जो हेयर मसाज करने के बाद जो ऑयल सब है वो स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब होके हमारा हेयर ग्रोथ करने में मदद करता है। तो ये बात आप ज़रूर कीजिएगा, मसाज एटलीस्ट फॉर 4-5 मिनट्स। और यहाँ पे मैं छोटी वाली कियाना का भी हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, एग्जैक्टली सेम जैसे कैलिन का किया, पूरा स्टेप बाय स्टेप।
और जैसे कि ये वीडियो मैं कुछ मंथ्स पहले ही रिकॉर्ड की थी, तो अभी अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली कियाना का हेयर काफ़ी लंबा हो चुका है, एटलीस्ट 5 to 6 सेंटीमीटर बढ़ चुके, उसके पूरा वेस्ट लाइन तक हो चुका है और उसको भी लंबा हेयर बहुत ही पसंद है। तो कभी मैं नेक्स्ट हेयर केयर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं अपडेट करूंगी अभी रिसेंटली दोनों का हेयर कितना लंबा हो चुका है। देन उसके बाद हेयर वॉश करने से पहले यहाँ पे मैं हेयर को अच्छे से भिगा रही हूँ। 2-3 मग वाटर डाल के आपको अच्छे से हेयर को गीला कर लेना है ताकि जो हम शैम्पू करें तो इजीली स्मूथली हो जाए। और ये जो वाटर टेम्परेचर है वो ल्यूक वार्म, लाइक थोड़ा सा गर्म पानी है। मैं हमेशा ही वार्म वाटर में ही दोनों का हेयर वॉश करती हूँ और नहाते हुए ऐसे वार्म वाटर में है। तो यहाँ पे जो मैं ये शैम्पू ली हूँ उसका नाम है सेटाफिल बेबी वॉश एंड शैम्पू और ये ही मैं यूज करती हूँ क्लिन के आना के लिए हमेशा। तो यहाँ पे उसके हेयर के हिसाब से जितना क्वांटिटी चाहिए शैम्पू मैं एक मग में थोड़ा ऐड कर ली और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके दोनों को मिक्स कर ली हूँ। और फिर जैसे ही थोड़ा सा झाग निकल आया तो मैं धीरे धीरे स्कैल्प में थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ और मसाज करते जा रही हूँ और ऐसे ही उंगली से धीरे धीरे मसाज करके मैं क्लीन कर रही हूँ। और जब वो झाग निकलते जाएगा तो उसको हम धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ से ले आके जो लंबा बाल है नीचे का उसको भी क्लीन कर लेंगे उसी शैम्पू से। तो मेन थिंग हमें स्कैल्प में फोकस करना है, जहाँ पे हेयर का रूट्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑयली पार्ट रहता है, तो वहाँ पे शैम्पू करके जो झाग निकल आएगा वो हम नीचे लेके बाकी का हेयर भी क्लीन कर लेंगे। एक्स्ट्रा शैम्पू यूज नहीं करना है नीचे के हेयर में क्योंकि जो हेयर रहता है नीचे का या जो पहले से ही ड्राई रहता है, अगर आप ज़्यादा शैम्पू यूज करेंगे तो जो हेयर का नेचुरल ऑयल रहता है वो भी निकल जाएगा और फिर आफ्टर शैम्पू करने के बाद वो बहुत ही ड्राई एंड फ्रीजी हो जाता है। तो आपको मेन स्कैल्प में ही शैम्पू करना है। शैम्पू होने के बाद मैं अच्छे से यहाँ पे हेयर को धो रही हूँ। शैम्पू बिल्कुल ना रहे आपको ध्यान देना है, काफ़ी अच्छे से वाटर यूज करके उंगलियों में से थोड़ा आप स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं और जो शैम्पू पूरा निकालना है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या मैं कंडीशनर यूज करती हूँ बच्चों के हेयर में आफ्टर शैम्पू, तो बिल्कुल नहीं, मैं क्लिन कियाना दोनों के हेयर में कभी भी कंडीशनर यूज नहीं करती हूँ। और वैसे भी बच्चों का हेयर काफ़ी डेलिकेट रहता है, बट इट्स डिपेंड ऑन योर हेयर टाइप कि आपका हेयर कैसा है, किस टाइप का है और आप कितने बार शैम्पू करते हो वीक में, वो भी उस हिसाब से आपको कंडीशनर चाहिए या नहीं। और क्लिन कियाना का दोनों का हेयर काफ़ी सिल्की एंड स्मूथ है तो दोनों को कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी कंडीशनर यूज नहीं करती हूँ कभी भी। और जो मैं शैम्पू यूज करती हूँ सेटाफिल बेबी वॉश एंड शैम्पू, वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है स्किन फेस हेयर सबके लिए। और ये मैं क्लिन कियाना के लिए उनके बर्न होते ही लाइक डे वन से ही यूज कर रही हूँ दोनों के लिए। तो ये केमिकल फ्री, टीयर फ्री, पैराबिन फ्री है और इसमें जो ऑर्गेनिक सेलेंडेला है वो बच्चों की स्किन को सॉफ्ट स्मूथ एंड मॉइस्चराइज रखता है। और अगर आप इससे हेयर वॉश कर रहे हैं तो बच्चों का स्कैल्प भी सॉफ्ट ही रहते हैं, बिल्कुल ड्राई एंड इची नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बर्ड्स बी का बबल बाथ जो कि 100% नेचुरल, टीयर फ्री एंड केमिकल फ्री है। और आज ये ख़त्म हो गया था, बस थोड़ा ही बचा था तो देख रहे हैं कि ज़्यादा बबल नहीं हो रहा है। बट जिस दिन शैम्पू करते हैं तो क्लिन कियाना का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम नहाना रहता है साबर में या फिर ऐसे बबल बाथ में, तो उनको ये चाहिए था तो स्टिल दे आर हैविंग फन। और अभी आप देख सकते हैं मैं दोनों को हेयर को मैं एक बन बना ली हूँ, जैसे ऑयलिंग के बाद हेयर को बन करके हेयर बैंड में डाल के उसी स्टाइल में कर ली हूँ ताकि बाल जो है वो ज़्यादा मैसी ना हो उलझे नहीं नहाने के टाइम पे। और अगेन उसके बाद मैं सेटाफिल बेबी वॉश एंड शैम्पू से उनके बॉडी को क्लीन कर लूँगी। देन नहाने के बाद दोनों के बॉडी में मैं ये लगाती हूँ सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। हेयर वॉश करने के बाद मैं दोनों के हेयर को इस तरह से थीम टावल में रैप कर लेती हूँ, एक लूज सा बन बना ली हूँ और ऐसे ही 15-20 मिनट में रहने दूंगी ताकि जो एक्सेस वाटर है वो टावल में सूख जाए। देन उसके बाद डिपेंडिंग अपन द वेदर, बाहर टेम्परेचर कैसा है, लाइक सनी है और फिर वेदर अच्छा है तो दोनों का बाल ऐसे ही एयर ड्राई होने देती हूँ, आधा घंटे 1 घंटे में सूख जाता है बाहर थोड़े खेलते हैं या फिर घर में खेलते खेलते। बट विंटर है और फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो मैं हेयर ड्रायर यूज करके दोनों के बाल जल्दी ही सुखा देती हूँ ताकि दोनों को कोल्ड या सर्दी ना हो जाए। तो 15-20 मिनट बाद मैं टावल निकाल के उसके हेयर को
और थोड़ा सा फोर्स दे रही हूँ ताकि ये हेयर जो है थोड़ा खुला खुला हो जाए। और फिर उसके बाद सबसे पहले हेयर को डिटेंगल करना है, क्योंकि शैम्पू करो तो बाल जैसे भी थोड़ा उलझ जाते हैं। और यहाँ पे मेन थिंग कि मैं सबसे पहले अपने फिंगर की मदद से इसे थोड़ा छोटा छोटा पर्सन डिवाइड करके उसको डिटेंगल कर रही हूँ, और उसके बाद ही मैं कॉम्ब यूज करूँगी। नॉर्मल टाइम में भी जैसे कि कभी तो फिर अगर बाल उलझ गए हैं तो फिर मैं इसे पहले फिंगर से ही डिटेंगल करती हूँ, उसके बाद ही कॉम्ब यूज करती हूँ, और इससे बहुत ही कम हेयर फॉल होता है। तो ये हेयर कम्प्लीटली डिटेंगल होने के बाद ही मैं यहाँ पे कॉम्ब यूज कर रही हूँ, और पूरे हेयर को ऊपर से नीचे हल्के हाथ से कॉम्ब कर रही हूँ ताकि जो हेयर है वो अच्छे से स्ट्रेट एंड स्मूथ रहे और इजीली ड्राई भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट थिंग आपको ध्यान देना है कि हेयर वॉश के बाद कभी भी डायरेक्टली गीले बाल में कॉम्ब यूज मत कीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो सबसे पहले उंगली और फिंगर की मदद से डिटेंगल करना, फिर उसके बाद ही कॉम्ब यूज करना। देन नेक्स्ट यहाँ पे गियाना के हेयर मैं सेम वे में डिटेंगल कर रही हूँ। और उसके बाद आज वेदर भी अच्छा है, ज़्यादा ठंड नहीं है, बाहर सनी है, तो हम बाहर जाएंगे, बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, तो 10-15 मिनट में ही उनका हेयर कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। बट अगर घर में ही रहेंगे खेलेंगे तो एयर ड्राई अगर करना है तो फिर वो आधा से 1 घंटा लगता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ही करते हैं, शैम्पू करने के बाद जाके बाहर थोड़ा खेलते हैं, स्कूटर या साइकिल राइड करते हैं, तो फिर उनका हेयर बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। और अभी आप देख सकते हैं बाहर 10-15 मिनट खेलने के बाद केलिन का हेयर कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और बहुत ही सिल्की एंड शाइनी लग रहा है। और उसके बाल ऐसे ही स्ट्रेट हैं, क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट हैं, हमारे घर में किसी के बाल कर्ली नहीं है, तो इवन मैं भी बहुत ही कम टाइम में स्ट्रेटनर यूज करती हूँ। तो कुछ लोगों का और एक क्वेश्चन था कि दोनों बच्चों का हेयर का कलर ऐसा है स्पेशली केलिन का, या फिर मैं कुछ कलर यूज करती हूँ? तो नहीं, मैं बिल्कुल कुछ भी कलर यूज नहीं करती और कभी करूँगी भी नहीं। तो दोनों का हेयर ऐसे ही नेचुरली ऐसे कलर है, पूरा डार्क ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन या रेडी सा बोल सकते हैं, उस टाइप का है। तो यही था बच्चों का हेयर वॉश डे रूटीन। हफ्ते में एक बार ही मैं हेयर वॉश करती हूँ दोनों का, बट अगेन दैट डिपेंड अपन द वेदर। जैसे कि विंटर में फ्रीजिंग कोल्ड है और उनका भी मन नहीं है, बहुत ठंडी लग रही है, तो हफ्ते से ज़्यादा भी हो जाता है शैम्पू करने में। और फिर समर टाइम में जैसे कि बहुत गर्मी है और पसीना होता है, लंबे बाल है तो फिर इची होगा, तो फिर मैं शैम्पू कर देती हूँ। अगेन दे गो टू स्विमिंग पूल जाते हैं तो फिर वहाँ का क्लोरीन वाटर रहता है, तो घर आके फिर से शैम्पू करना होता है। तो हफ्ते में एक से ज़्यादा 2 बार भी हो जाता है शैम्पू। तो यही था बच्चों का कंप्लीट हेयर वॉश डे हेयर केयर रूटीन, बहुत ही सिंपल एंड नॉर्मल सा। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। इफ सो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू हियर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।